आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आज मैं जो बात करने आया हूँ, एक टॉक्सिक कपल के बारे में बात करने आया हूँ, जो सब कुछ कमाता तो सोशल मीडिया से है और सोशल मीडिया पर ही अपनी पूरी की पूरी लाइफ रखता है, वो अपनी पूरी ज़िंदगी दिखाता है और उसके बाद में बारी बारी से आके कहते हैं कि हमें सोशल मीडिया पर, हस्बैंड कहता है कि मुझे सोशल मीडिया पर आके कुछ नहीं कहना, सोशल मीडिया वो प्लेटफॉर्म नहीं है जिसपे कि लाइफ डिस्कस की जाए। वाइफ रोते हुए जो है सोशल मीडिया पे अपनी कहानियां बताती है और जिसको सुनकर लोग बाग सन्न रह जाते हैं। जब उसकी सिंपैथी के लिए और उसके इस हाल में देखकर लोग बाग जो उसके लिए वीडियोस बनाते हैं, तो फिर आती है वो ये कहने के लिए कि आप कौन होते हो, आपको मेरी इस पर्सनल लाइफ में एंटर होने का किसने इजाजत दी, आप मेरे को अबला नारी समझते हो, समझते हो मैं कमजोर हूँ और एक आर्मी बना दी मेरे लिए, ऋतु आर्मी, अगर मेरे साथ कुछ कर नहीं सकते, मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकते तो फिर इस तरीके की आर्मी बनाने का क्या मतलब। चलिए पूरी बात बताएंगे सिलसिलेवार। इन मैडम ने आके जिस तरह से अपने व्यूवर्स के साथ में इतनी ज्यादा बदतमीजी करी है, जितना एरोगेंट पना दिखाया है, जितना दांत पीस पीस के आंखें दिखा दिखा कर तमतमाए हुए मुंह से, मतलब लाल मुंह से इन्होंने गालियां निकाली हैं, मैं तो गालियां ही कहूंगा कि जब आपके व्यूवर्स हैं वो आपको कंसर्न देखते हैं, अगर आपकी आंखों में आंसू देखते हैं, आपकी आवाज थरथराई देखते हैं, तो वो अगर कुछ आके आपको सिंपैथी वाले वर्ड बोलते हैं उसके बाद अगर तुम ऐसा करते हो तो हमको यही कहना पड़ेगा। ऐसे लग रहा था ये वीडियो नहीं बना रही है, ऐसे लग रहा था ये डरा रही है और ये कह रही है कि तुमने जो है ना मेरे लिए सिंपैथी दिखाई तो दिखाई क्यों। अरे मैडम, अगर तुम अबला नारी नहीं थी तो वहां पे क्यों गई और क्यों करके वहां पे जो अपनी सारी की सारी बातें वहां पे खोली। आपने ही अपने पति के लिए वो अलंकार सूचक वर्ड यूज किए थे और अपने पति की तारीफ में जो जो उन्होंने लव्स कहे थे, मैडम वो जाके पहले सुन लीजिए, वो किसकी तारीफ कर रहे थे, हस्बैंड की तारीफ कर रहे थे या किसकी तारीफ कर रहे थे, या फिर वो भी आपका एक ड्रामा था। आपको शिकायत है कि उन लोगों ने वीडियो देख के आपको पहचान लिया। अरे मैडम, पहले तो आप लोग आते हो कि आओ 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 हमारे व्लॉग्स देखो, हमारी लाइफ देखो, हमारे बच्चे देखो, हमारा बेडरूम देखो, हमारी प्रेगनेंसी देखो, हमारा हॉस्पिटल देखो, हमारे बच्चों की चोटें देखो, और आज दोनों आ जाते हैं ये कहने के लिए कि आपको हमारी लाइफ में दखल देने का कोई मतलब नहीं है, ना हम अबला नारी हैं और ना हमारा पति ऐसा है। ओहो, आप ही आई थी ना अपने पति के लिए बात करने के लिए और अब उस पति की तरफदारी कर रही हो कि 8 साल से जितना मैं जानती हूँ। यस 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 मैडम, ये सब लोग जानते हैं कि एक आदमी को या तो उसकी माँ सबसे ज्यादा जानती है या फिर उसकी पत्नी सबसे ज्यादा जानती है। और 8 साल में आपने जाना क्या, 8 साल में आपने समझा क्या अपने पति को, और क्या आपके पति ने आपको समझा। चलिए आपकी बात मान लेते हैं, अगर आप दोनों पति पत्नी 8 साल से एक दूसरे को बहुत अच्छा समझ रहे थे तो ये भी समझदारी अपने घर के अंदर दिखा लेते, क्यों करके सोशल मीडिया पर आए। आपको ये शिकायत है कि आपकी कांपती हुई आवाज को लोगों ने जो है सोशल मीडिया पे डाला और आपकी फोटो को जूम कर करके देखो ये है लेडी, देखो ये है लेडी, ऐसा कहा तो सॉरी मैडम, तो आपको वहां जाने से पहले सोचना चाहिए था। जो आप इस तरह के पर्सनल क्वेश्चंस महाराज जी के पास जाके पूछते हैं तो आप देखो डेली की डेली वो सारी वीडियो अपलोड होती हैं। आपको नहीं पता, इससे पहले भी जब आप गए थे तो वो भी अपलोड हुई थी। अगर आपको इस सब बातों की इतनी ज़्यादा चिंता थी और आपको इतनी ज़्यादा फिक्र थी अपनी इमेज की और अपने हस्बैंड के इमेज की, तो आपको महाराज जी के जो लोग हैं जो अपलोड करते हैं यूट्यूब चैनल पे, उनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी कि मेरी वाली वीडियो आप प्लीज़ अपलोड ना करें। मैं नहीं समझता कि अगर ऐसा कुछ किया जाता तो डेफिनेटली आपकी वो वाली वीडियो अपलोड नहीं होती। और जो आप इतने ज़्यादा समझदार बन के आ रहे हो और ज़्यादा अपने आप को दिखा रहे हो कि हम तो सब कुछ जानते हैं और आप लोगों की साइकोलॉजी को अच्छा समझते हैं, तो ये बात पहले क्यों नहीं सोची थी। गलती हमारी नहीं है, हम लोगों ने आँख ही नहीं मिची हुई, यूट्यूब है इसलिए देखने के लिए, अगर यूट्यूब पर कुछ आएगा तो लोग अपनी प्रतिक्रिया देंगे और ज़रूर देंगे। और मैडम, जब आप अपने व्लॉग सारे के सारे इस तरह से डाल देते हो, अपनी लाइफ को दिखा देते हो, तो आप एक पब्लिक फिगर बन जाते हो और पब्लिक फिगर को लोग बाग आंकते हैं, उसको अच्छा बुरा सब कुछ कहते हैं।
एंड दिस इज़ नॉट फर्स्ट टाइम, आपके व्लॉग्स पर इससे पहले भी क्रिटिसिज्म आया है, आपको अच्छी तरह पता होगा। और अगर बात कर रहे हो कि आप लोगों के ऊपर बात क्यों करी लोगों ने, मैडम मैं आपको बता दूं कि आप लोगों की तरह सब लोग स्टूडियो में टिक नहीं होते हैं, ऑल दे हैव इमोशंस। ये हमारी एक परंपरा है कि हमारे हिंदुस्तान में, इंडिया में, अगर किसी को आप परेशान देखते हो, कुछ भी देखते हो, तो सबसे पहले आप पूछते हो आप ठीक तो हैं। और अगर इस कंसर्न दिखाने को अगर आप ये कहते हो कि हमारी लाइफ में आपको कोई दखल नहीं देने की जरूरत नहीं है और हम लोग जो समर्थ हैं, हम तो सब कुछ कर लेंगे, मैडम वहां पे जाके आपने इतना ज्यादा कंसर्न दिखाया था, आपने रोना धोना मचाया, आपने बच्चों का कंसर्न दिखाया, आपने आगे की उनकी लाइफ के बारे में कंसर्न दिखाया, आपने अपनी जॉब के बारे में कंसर्न दिखाया। जब आप अपना इतना मार्मिक चित्र वहां पे खींच रही हैं और उस खींचने वाले चित्र को कोई भी देखेगा तो वो क्या कहेगा, वो आपसे कोई भी सिंपैथी ना रखे। मैडम निश्चिंत रहिए, इसके बाद में तो आपसे कोई भी सिंपैथी नहीं रखेगा, आपसे और आपकी फैमिली से कोई सिंपैथी नहीं रखेगा। पर सॉरी टू से, हम लोग सब लोग अपनी आदतें नहीं बदलेंगे, ना हिंदुस्तान के लोग अपनी आदतें बदलेंगे। वो इस तरीके से अगर किसी औरत को, किसी आदमी को, किसी को भी अगर देखेंगे प्रॉब्लम में है और उसके साथ गलत हो रहा है, तो डेफिनेटली उसके पीछे लोग आएंगे। आप लोगों के बेसिक नेचर को चेंज नहीं कर सकती, आप पूरे हिंदुस्तान को चेंज नहीं कर सकती। जो लोगों की एक दूसरे के लिए सिंपैथी रखता है, एक दूसरे की मदद करता है। मैडम आपने मेड का भी नाम लिया, आपकी नज़र में मेड और बाकी सब लोग एक जैसे ही हैं। हम तो सबको मानते हैं कि सब एक जैसे हैं, लेकिन जिस कदर आपने मेड का जिक्र किया तो उससे ये लगता है कि आप अपने आप में और उसमें बहुत अंतर समझती हैं, उसको बहुत ज्यादा क्लास का दर्जा दे रही हैं। तो मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ घर की एक मेड के साथ में बहुत बहुत गलत हुआ था कुछ साल पहले, और उसके बाद में उसके ऊपर केस वगैरह कर दिए गए। हम लोगों ने मिलकर उसके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करी और उनको जो पुलिस और जो अदालत का जो चंगुल है उससे छुड़ाने में मदद करी। ये केस तो नहीं आया होगा सोशल मीडिया पे, नहीं आता मैडम, लोग बाग जो है सोशल मीडिया पे ही आके मदद नहीं करते हैं, उसके पीछे मदद करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया को जानते भी नहीं है, उसके बाद में भी उनको हेल्प मिलती है और हेल्प मांगी जाती है। तो आप हेल्प के अधिकार को कैसे चैलेंज कर सकते हो? और आप जो कुछ फैक्ट्स के नाम पे, रियलिटी चेक के नाम पे आप बोलने आई हो ना, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। जो आप बोल रही हो कि मेड जो आती है वो अबला नारी है और उसके ऊपर हजार अत्याचार होते हैं, आप कैसे इस तरह से मेड के ऊपर जो है इस तरह से इंसल्ट कर सकते हो? और आप जो ये लोगों को चैलेंज दे रही हो ना कि उस मेड के घर पे जाओ और जाके उसके इश्यूज सॉल्व करो और फिर ये कहो वी आर इन योर आर्मी, मैडम इसके लिए आपको कहने की जरूरत नहीं है। लोग इसी तरीके से बहुत सारे लोगों की मदद करते हैं, जरूरी नहीं है कि वो सोशल मीडिया पे आके सबको बताएं या उसको अखबारों में छपवाएं। तो नो, आपकी मदद की और आपके कहने की इन सब की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी चल रहा है और अपने स्तर पे ठीक हो रहा है। कोई मदद करने से पहले ना पूछता है, ना कोई बात करता है, मदद करता है। और आप कैसे क्वेश्चन कर सकती हैं सारे मर्दों पर कि उन्होंने इक्वलिटी का अधिकार अपनी पत्नी को दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है? और मैडम क्या आज से पहले कभी आपको इस बात का इक्वलिटी का ख्याल आया था? दिमाग में यह नहीं आया था कि बहुत सारी लेडीज को, बहुत सारे मर्दों ने इक्वलिटी का अधिकार नहीं दिया हुआ है? आपने कभी आवाज उठाई थी क्या इस बारे में? आपको तो बहुत ज्यादा इक्वलिटी का अधिकार मिला गया था, फिर आपको ये वाली वीडियो हमारे सामने लेके आने की क्यों जरूरत पड़ी? इन खोखले विचारों से कुछ बनने वाला नहीं है, दिखाई दे रहा है जो आप स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहे हो उसके पीछे कितना खालीपन है। और आपने अपनी पूरी वीडियो को बड़ा ड्रामेटिक बना दिया, बड़ा पॉज ले लेके, बड़ा ही फेस एक्सप्रेशन के साथ में एक म्यूजिक लगा के, म्यूजिक तो ऐसा लग रहा है कि जैसे स्त्री टू फिल्म देख रहे हो, ऐसी हाव भाव जो आप बना रहे हो लोगों को डराने के लिए या धमकाने के लिए। और मैडम कह रही है कि ऐसा कोई रिलेशन नहीं है कि जिसके बीच में कुछ हर्ट ना हुआ हो। यस मैडम, होता है, हर्ट होता है, बहुत होता है, और फिर वो सॉल्व भी हो जाता है और फिर सब लोग इसी तरीके से अपनी लाइफ को मूव ऑन करते हैं। ऐसा नहीं है, रिश्ते भी टूटते हैं, बनते हैं, सब कुछ होता है, तो इसमें नया क्या है? आप जो कह रहे हो ना कि कांच का घर, फुसफुस करना और फुसफुस करने आगे, तो ये मैडम मौका आप लोगों ने दिया है ये फुसफुस करने का। वैसे कोई फुसफुस करने नहीं आता, इतने सारे मामले, इतनी सारी हर्टिंग जो चल रही है, वो लोग अपने मामले सॉल्व कर रहे हैं ना, और जिनके मामले सॉल्व नहीं होते तो अदालतों में भी बहुत सारे मामले चल रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सारे इन सारे मामलों के बारे में? बहुत सारे मामले अदालतों में चल रहे हैं, बहुत सौ का निपटारा हो गया है,
बहुत सारा निपटारा हो जाएगा। तो आप इन सब चीजों को कैसे जोड़ के देख सकते हो? और मैडम ये कह रही हैं ये मेरा पर्सनल मैटर था और अगर मुझे इसे पब्लिक करना होता तो मेरे पास इंस्टा अकाउंट है। मैडम आपने बिल्कुल सही कहा, अब सभी लोग यही कह रहे हैं कि ये जो आपका स्टंट है या क्या है, ये जो आपका जो हस्बैंड है ये जिंदगी में इतने स्टंट करता रहा है व्यूज के लिए कि ये भी लोगों को आज की डेट में आप लोगों का स्टंट ही लगता है। आप लोग अगर इतने ही समझदार हैं तो थोड़े दिनों में खुद आपस में घुल मिल बैठेंगे और फिर उसके बाद में बस सब ठीक हो जाएगा। तो जो ध्रुव राठी ने आप लोगों के लिए कहा था वो बिल्कुल सही कहा था, आपका चैनल जो डेड हो रहा है अब आप उसको बचा नहीं पाएंगे। इस तरह की चीज़ें दिखाते हो और उनसे व्यूज इकट्ठे करते हो, कब तक ये चलेगा? तो वही कहानी आज की डेट में आप लोग दोहरा रहे हो। अरे मैडम ये क्या मैसेज देना चाह रहे हो कि भाई उसको भी कोई बात चुभ गई, मेरे को भी कोई बात चुभ गई और वो भी अड़ गया और मैं भी अड़ गई, उसके बाद में आप ये रो धो के ये सब चीज़ें करके दिखाते हो। तो आप ये मतलब क्या दिखाना चाहते हो कि जो नारी है या लेडी है उसको ऐसे ही रहना है, उसको हस्बैंड के नीचे दबके रहना है और उसी को कंप्रोमाइज करना है और वो ही मतलब इस तरीके करती चली जाए। उसके बाद में अगर वो अपनी आवाज उठाए और कोई उसको बोले तो ये कहे कि भाई आप हमें मेरे हस्बैंड को क्यों बोलते हो और इस तरह से क्यों करते हो। तो ये जो डोरमेट बनने वाली कहानियां है ना ये बंद करो, अगर सच है तो सच बोलो, झूठ है तो झूठ बोलो, अगर गलत हुआ है तो गलत बोलो और सही हुआ है तो सही बोलो। अगर आपको लगता है कि बहुत छोटा बहुत माइनर सा मामला है तो अपने आप ही पट्टी करो और अपने आप निपटाओ इसको अपने घर के अंदर। आप नोट करिएगा जब वो ये कह रही है कि उस आदमी का इन एंड आउट मैं जानूं, या इनका एटीट्यूड नोट कीजिए कितना जबरदस्त एटीट्यूड है। चलिए छोड़िए ज़्यादा मतलब इसके ऊपर बात करना और ये अपना टाइम खराब करना बिल्कुल बेकार की बात है। जब इन लोगों को कोई भी किसी के अपने व्यूवर्स की अपने सब्सक्राइबर की अपने कंसर्न दिखाने वाले लोगों की कोई परवाह नहीं है, आप उनके हेट उनको समझते हैं कि वो आपसे हेट करते हैं, आपका मजाक उड़ा रहे हैं, आपको टीज करने के लिए ये सब बातें कर रहे हैं, तो ये सब बेकार की बातें हैं। आज के बाद इनके कम से कम कोई भी किसी तरह के भी इस तरह के आए तो ना आप लोगों को इमोशनल फूल बनने की जरूरत है जैसे कि हम लोग बन गए और ना ही उसके ऊपर कुछ रिएक्ट करने की जरूरत है। ये वो हैं कि जिनको जिनके हाल पे छोड़ दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, वरना ये तो पब्लिसिटी के लिए आए हैं और व्यूज़ और व्यूज़ और व्यूज़, मोर अटेंशन मोर अटेंशन। इनको सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है इससे और पैसे के लिए ये सारी चीज़ें करी जाती हैं, अदरवाइज क्यों करके बच्चों की चोटों को भी आप मोनेटाइज करते या फिर वाइफ की प्रेगनेंसी को भी मोनेटाइज करते? कोई दर्द से करहा रहा है और आपको सबसे पहले कैमरा उठाने की पड़ रही है? अरे जब आप उसके नहीं हो जो करहा रहा है दर्द से, उसको भी वो वीडियो बना के पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हो तो फिर आप किसके हो सकते हो? आप किसी के भी नहीं हो सकते। इसलिए आगे इसने जो भी बकवास करी है, मैं बकवास वर्ड कह रहा हूँ, तो हम उसके ऊपर और ज़्यादा बात करके अपना टाइम खराब करना नहीं चाहते। इनके ड्रामे पे आप लोग क्या कमेंट करना चाहते हैं करिए, अगर नहीं भी कमेंट करेंगे तो मैं इस बार कमेंट की आपसे बिल्कुल भी मांग नहीं करूँगा, क्योंकि इस बकवास टॉपिक को जितनी जल्दी बंद कर दिया जाए उतना अच्छा है। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।